दोस्तों राजस्थान में जैसे खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है, उसी तरह से यहाँ भूतिया जगहों की भी कमी नहीं है। आज हम आपको राजस्थान की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ जाने पर पर्यटकों की रूह कांप उठती है और रात को तो आप यहाँ जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं राजस्थान का भानगढ़ के किला के बारे में। राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक भानगढ़ का किला किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, भानगढ़ किले को राजस्थान में सबसे डरावना स्थानों में गिना जाता है। भानगढ़ किला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहां जाने के बाद आपको यहां के वीरान और सुनसान जगह को देखकर ही रूह कांप उठेगी। इस किले के बारे में कहा जाता है कि रात में इस किले पर भूतों का साया रहता है, और तो और किले में चिल्लाने रोने की आवाजें, चिड़िया के खनकने की आवाज और कई तरह की परछाइयां दिखाई देती है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के कुलधरा गाँव के बारे में। राजस्थान का सबसे डरावना गाँव कुलधरा राजस्थान की एक ऐसी जगह है जो करीब 170 सालों से वीरान हुई है। इस जगह में कोई इंसान अकेले जाने से डरता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोगों ने एक दुष्ट दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए इसको खाली कर दिया था और तब से अब तक ये जगह वीरान पड़ी हुई है। इस जगह का डरावना होना इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली की पैरानॉर्मल एजेंसी के द्वारा कुलधरा गाँव में डिटेक्टरों और भूत बॉक्स में यहाँ के मरे हुए लोगों की आवाज रिकॉर्ड की गई है और उन्होंने अपना नाम भी बताया है। इस बात में कितना सच्चाई है ये तो अब एजेंसी वाले ही जाने, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान का नाहरगढ़ किला के बारे में। नाहरगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास अरावली पहाड़ियों के किनारे स्थित है। ये पीले रंग का जयपुर में बेहद आकर्षक लगता है, लेकिन इस किले को राजस्थान की भूतिया जगहों में लिया जाता है। इस किले को सवाई राजा मान सिंह ने बनवाया था और इस किले को उन्होंने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद एक किला भूतिया कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में राजा का भूत अभी भी है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के राणा कुंभ महल के बारे में। चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभा पैलेस एक ऐसी जगह है जहां आपकी मुलाकात भूतों से हो सकती है। इस स्थान को राज्य की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस महल की गुप्त कक्ष और यहां की महिलाओं की चीखें आपको बेहद खौफ में डाल सकती है। और तो और इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां रानी पद्मावती ने अपनी दासियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया था। आपको बता दें कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल पर हमला कर दिया था और खुद को खिलजी से बचने के लिए रानी पद्मावती ने 700 महिलाओं के साथ आत्मदाह कर लिया। तभी से यहाँ पर इस तरह की घटनाएं देखी जाती है। चलिए अब बात करते हैं अजमेर उदयपुर हाईवे के बारे में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अजमेर उदयपुर हाईवे को खून का रास्ता भी कहा जाता है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने यहाँ कई भूतिया गतिविधियों का अनुभव किया है। कई लोगों का कहना है कि इस रास्ते पर एक औरत दिखाई देती है जो दुल्हन का लाल जोड़ा पहने होती है। इसके पीछे की कहानी यह बताई जाती है कि जब बाल विवाह प्रचलित था तब एक 5 साल की लड़की की शादी 3 साल के लड़के से होनी थी, लेकिन उस लड़की की माँ इस रिश्ते से खुश नहीं थी और वो मदद मांगने के लिए हाईवे की ओर चली गई। लेकिन तेज रफ्तार गाड़ी ने माँ और बेटी दोनों को टक्कर मार दी और उन दोनों की वहीं मौत हो गई। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।